गाइस, मैं आपकी होस्ट रामदोस प्रियंका एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए अपने खास चैनल यानी कि फिल्मी अड्डा पर लेकर आ गई हूँ तमाम अलग अलग जानकारियाँ। आई नो आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे होंगे, बट क्या करें, इस वैलेंटाइंस डे के मौके पर थोड़ी बहुत तो बिजी रहना लाजमी है। वाला आपको बात करते हैं आज हम वैलेंटाइंस डे के खास मौके को ही लेकर। वैसे तो देखा जाए तो फिल्म स्टार्स के बीच आए दिन लव और उनके बीच कॉन्ट्रोवर्सीज की खबरें तो रहती ही हैं, लेकिन देखा जाए तो 7 फेब से लेकर 14 फेब तक ये जो 7 दिन का होता है, ये जो एक हफ्ता होता है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़ास माना जाता है, वो भी और ख़ास लव कपल्स को लेकर के। हम वैलेंटाइंस डे के इस खास दिन के मौके पर जो वीकेंड चल रहा है इस पे हम आप लोगों के लिए जो आज जानकारी लेकर आए हैं, ये वो लोग हैं जो कि 2018 और 2019 यानी कि फेब 2018 से लेकर फेब 2019 के बीच एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। कुछ लवर्ड हैं जिनका प्यार हुआ, फिर इजहार हुआ और अंत में उनका ब्रेकअप हुआ, तो कुछ ऐसी भी जोड़ियां हैं जो कि शादी होने के बाद वो अलग हुए हैं। तो हम आपको बताते हैं उन जोड़ियों के बारे में अपनी रिपोर्ट के ज़रिए कि आखिरकार कौन कौन सी ऐसी जोड़ियाँ हैं जो कि प्यार मोहब्बत के बाद अलग हुई या फिर शादी के बाद वो अलग हो गए हैं और इस वैलेंटाइंस डे के मौके पर वो एक दूसरे के साथ नहीं होंगे। और इसी बात की, इसी चीज की सारी जानकारी, सारी रिपोर्ट लेकर हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। 14 फरवरी, जी हाँ, देखा जाए तो वैलेंटाइंस डे के खास दिन के मौके पर अक्सर जहाँ देखें वहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होती रहती हैं, लेकिन आज हम अपनी इस रिपोर्ट में प्यार मोहब्बत से हटकर थोड़ी टकरार की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार साल 2018 से लेकर साल 2019 के बीच कौन कौन से ऐसे टीवी स्टार हैं या फिर फिल्म स्टार हैं जिन्होंने अपने प्यार को खोया है या फिर वो उनका ब्रेकअप हुआ है या फिर उन्होंने तलाक लिया है। जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करें तो साल 2018 में कई फेमस कपल ने शादियां तो की थी और उनकी जोड़ियां भी बनी, लेकिन ये साल कुछ लोगों के लिए बेहद ही बुरा रहा। जी हाँ, और इस साल जहां कुछ पॉपुलर जोड़ियों का तलाक हुआ तो कई क्यूट कपल एक दूसरे से अलग भी हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली का। आपको बता दें, हिमांश कोहली, पॉपुलर बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली का ब्रेकअप कुछ दिन पहले ही हुआ। दोनों पिछले 4 साल से एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे। ब्रेकअप के बाद नेहा का बुरा हाल है। हालांकि दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ है इसकी वजह खुलकर सामने नहीं आई है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो जूही परमार और सचिन सैफ टीवी के कुमकुम के नाम से फेमस जोड़ी जूही परमार भी पति सचिन से अलग हो गई हैं। जी हाँ, जूही सचिन ने साल 2009 में शादी की थी। शादी के 9 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला लिया और इसी साल जनवरी में ही दोनों के अलग होने की खबर सामने आई थी। तलाक के लिए अर्जी दे दी थी इन्होंने। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, मेहर जेसिया और अर्जुन रामपाल 20 साल साथ रहने के बाद अर्जुन रामपाल और उनकी मॉडल पत्नी मेहर अलग हो गए हैं। दोनों के बीच अभी तलाक फाइनल नहीं हुआ है। बता दें, अर्जुन इन दिनों विदेशी मॉडल ग्रैमियला को डेट कर रहे हैं। इसके अलावा मसावा गुप्ता और मधु मेहताना, फैशन डिजाइनर मसावा गुप्ता पति मधु मेहताना से अलग हो गए हैं। मसावा ने पति से अलग होने की बात सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट लिखकर बताई थी। उन्होंने लिखा था, बेहद दुख के साथ मैंने और मधु ने ट्रॉयल बेस पर अलग होने का फैसला लिया है। हम दोनों ने प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के बाद ये फैसला लिया है। दोनों की शादी को 3 साल हो गए थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें, सुगंधा गर्ग और रघुराम रोडीज, फेम रघुराम और एक्ट्रेस सुगंधा गर्ग शादी के 12 साल बाद अलग हुए। दोनों का तलाक भी हो चुका है। इतना ही नहीं, रघु ने गर्लफ्रेंड नताली डी लोसियो से हाल ही में यानी कि 12 दिसंबर को शादी भी कर ली। इसके अलावा बात करें तो एली अवराम और हार्दिक पांड्या, एक्ट्रेस एली अवराम और हार्दिक पांड्या ने भी एक दूसरे को डेट किया। दोनों साथ में कई बार दिखाई दिए, हालांकि दोनों ने कभी भी ये नहीं माना कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं।
जी हाँ, कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए और खबर आई कि हार्दिक एक्ट्रेस ईशा गुप्ता को डेट कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। जी हाँ, इसमें अगली जोड़ी है हमारी यामी गौतम और पुलकित सम्राट। जी हाँ, ये पुलकित सम्राट शादीशुदा होने के बावजूद यामी गौतम को डेट करने लगे। हालांकि इसी साल दोनों का ब्रेकअप हुआ है। यामी की मॉम ने उन्हें हिदायत दे दी थी कि वे अपने करियर पर ध्यान दें। बता दें कि पुलकित ने सलमान खान की राखी बहन श्वेता रोहिरा से साल 2014 में शादी की थी और साल भर बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। दोनों अलग हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगली जोड़ी है हमारी बॉल स्टेन्यू और सोफिया है हयात। सोफिया और बोल्ट शादी के बाद मात्र साल भर ही साथ रहे। दोनों ने साल 2017 में शादी की और 2018 में दोनों का तलाक हो गया। सोफिया ने पति पर घर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और घर से निकाल दिया था। इसके अलावा टीवी शो बालिका वधू में नंदिनी का रोल करने वाली तोरल राजपुत्रा ने शादी के 5 साल बाद अपने पति से तलाक ले लिया। जी हाँ, उन्होंने साल 2012 में बिजनेसमैन धवल से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद रिश्ता सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा था और दोनों ने अनबन रहने लगी थी। वहीं आखिर में जब बात बिगड़ गई तो साल 2015 में तोरल अपने पेरेंट्स के पास लौट आई और वहीं रहने लगी। साल 2018 में इनका तलाक हो गया। जी हाँ, इसके अलावा और भी कई ऐसी जोड़ियां हैं जो कि लव लाइफ में खुश नहीं रहने के बावजूद अलग हो गए। जी हाँ, जिसमें कई और एक्ट्रेस का नाम सामने भी आया है, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर देखा जाए तो शायद इस वैलेंटाइंस डे के खास दिन के मौके पर ये वो जोड़ियां हैं जो शायद थोड़ी मायूस और कहीं ना कहीं उनकी पुरानी यादें उनको ज़रूर याद आएंगी। वेल, देखा आप लोगों ने दोस्तों कि ये वो स्टार्स के नाम हमने आपको बताया है जो कि अब प्यार मोहब्बत की बातों से थोड़ा अलग हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने भाई एक से उनका टकरार हुआ या यूं कहें तलाक हुआ तो उन्होंने दूसरे का हाथ थाम लिया। चलिए, प्यार में तो इतना चलता ही रहता है, लेकिन इस वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर हम अलग अलग जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आ ही रहे हैं और आज हमने जो बात की है वो उन जोड़ियों का जिक्र किया है जो कि एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, जिसमें बात करें हम चाहे नेहा कक्कड़ की या फिर हम टीवी टाउन की कुछ खास एक्ट्रेस का नाम ले लें या फिर हम बात कर लें यामी गौतम जैसी नई हीरोइनों की। तमाम लोगों को भाई प्यार में धोखा तो मिला हुआ है और बॉलीवुड में तमाम ऐसी कहानियां हैं जिसमें अलग अलग किरदार के साथ अलग अलग लव कपल के साथ अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई हैं। वेल दोस्तों, इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों से लेती हूं फिलहाल तो इजाजत, लेकिन हाँ, कल एक बार फिर से आप लोगों के बीच इस वैलेंटाइंस डे के खास मौके पर कुछ नई जानकारी, नई लव स्टोरी या कुछ नई खबर लेकर हाजिर होंगे। लेकिन तब तक के लिए कीप वॉचिंग फिल्मी अड्डा और हाँ, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट और हर जानकारी बॉलीवुड के साथ जुड़ी हुई, हर कॉन्ट्रोवर्सी के साथ जुड़ी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्मी अड्डा पे मिले। लेकिन तब तक के लिए कीप वॉचिंग।